हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका रामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यूनिट आपकी थर्ड है और टॉपिक है विशिष्ट अधिगम। टॉपिक है पिछड़े बालकों का समूह, यानी कि जो विशिष्ट बालकों के प्रकार है उसमें हमने तीन टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज हम पिछड़े बालकों का समूह पढ़ेंगे। पिछड़े बालकों के समूह में आज आपका सब टॉपिक पिछड़े बालकों का अर्थ और परिभाषा रहेगा। तो पिछड़े बालक वे बालक होते हैं, यानी कि पिछड़े बालक विशिष्ट बालकों में से ही एक वर्ग पिछड़े बालकों का होता है। विशिष्ट बालकों का जो एक वर्ग होता है उसी को पिछड़ा बालक बोलते हैं। और इन बालकों की समस्याओं, यानी कि इन बालकों की समस्याएं भी सीखने और समायोजन करने संबंधी होती है। यानी कि ये बालक भी सीखने की क्षमता में पिछड़े हुए होते हैं और समायोजन संबंधी इनकी समस्याएँ होती है। यानी कि समायोजन तो कर लेते हैं लेकिन इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। और सीखने की गति में, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को सीखने में भी इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रतिभाशाली बालक अपनी क्षमता और योग्यता की श्रेष्ठता के अनुकूल, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो अपनी श्रेष्ठता और योग्यता की श्रेष्ठता के अनुकूल वो बालक घर में या परिवार में या ऐसे वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता जिसके वो योग्य नहीं है। यानी कि प्रतिभाशाली बालक क्षमता और योग्यता होने के कारण भी वो एनवायरनमेंट अगर उसको कुछ अजीब सा मिल जाता है या उसके अनुकूल, बालक की स्तर के अनुकूल उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो समायोजन नहीं कर पाता। लेकिन जो पिछड़ा बालक होता है, पिछड़े बालक में योग्यता और क्षमता, यानी कि पिछड़ा बालक जिसमें योग्यता भी है और क्षमता भी है, लेकिन योग्यता और क्षमता के अभाव के कारण, यहाँ पर क्या है, योग्यता और क्षमता का अभाव है इसलिए वो समायोजन कर रहा है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक में योग्यता और क्षमता की श्रेष्ठता के अनुकूल उसको वातावरण न मिलने के कारण वो कहीं पर भी समायोजन नहीं कर पाता। जबकि पिछड़ा बालक ये होता है कि योग्यता और क्षमता के अभाव के कारण वो प्रत्येक जगह समायोजन कर लेता है। साथ में ये होता है कि पिछड़े बालकों की असफलता से अध्यापक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से, कि जब एक अध्यापक कक्षा शिक्षण कार्य में या कक्षा कक्ष में कोई टॉपिक को क्लियर कर रहा होता है तो कोई जो पिछड़ा बालक होता है उसको बार बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझ पाता है तो अध्यापक को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा पिछड़े बालक का अर्थ। पिछड़े बालक का अर्थ है जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रह जाता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। यानी कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता, अपनी कक्षा का जो कक्षा कार्य है या गृह कार्य है वो नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से, यानी कि कक्षा के हम उम्र छात्रों से पीछे रह जाता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। जरूरी नहीं है कि पिछड़ा बालक मंद बुद्धि हो, यानी कि पिछड़ा बालक मंद बुद्धि हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पिछड़ा बालक मंद बुद्धि हो। मंद बुद्धि बालक को हम पिछड़ा बालक नहीं कह सकते, ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें मंद बुद्धि, मतलब पिछड़े बालक के अनेक कारण हैं और मंद बुद्धि होना उनमें से एक है। नेक्स्ट है इसकी परिभाषा, देखिएगा परिभाषा है शोनेल के अनुसार
सोनेल के अनुसार है पिछड़ा हुआ विद्यार्थी, पिछड़ा हुआ विद्यार्थी, पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो, वह है जो अपनी आयु के अन्य, अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों, अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अत्यधिक अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता, अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे, अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे, यानी कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु के, यानी कि अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की, अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, अपने समान एज वाले अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कमजोर, जिसकी शिक्षा का स्तर बिल्कुल कमजोर है, ऐसा प्रदर्शन करे, ऐसा प्रदर्शित करता हो या ऐसा दिखाई देता हो कि सेम एज होने के बाद भी या सभी विद्यार्थियों की सेम एज होने के बाद भी कोई बालक ऐसा है जो अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार कार्य को नहीं कर पाता है और शैक्षिक कार्य को करने में, यानी कि शिक्षा से संबंधित गृह कार्य या कक्षा कार्य को करने में जो दुर्बल होता है, कमजोर होता है, वो ऐसा प्रदर्शन करे वो पिछड़ा बालक कहलाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बर्टन होट के अनुसार, सेकंड है बर्टन होट के अनुसार, बर्टन होट के अनुसार डेफिनेशन देखिएगा, बर्टन होट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं, पिछड़े बालक वे होते हैं, पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक, जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां, जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उच्च स्तर से, जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उच्च स्तर से निम्न, उच्च स्तर से निम्न स्तर की होती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की होती है, जिनके जिनके लिए वे योग्य होते हैं, जिनके लिए वे योग्य होते हैं पिछड़ा बालक कर रहा है। बर्टन होट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं, यानी कि पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जिनके शैक्षिक उपलब्धियां उच्च स्तर से, यानी कि कक्षा के अकॉर्डिंग और मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उच्च स्तर की होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उच्च स्तर से निम्न स्तर की होती है, पीछे वाली कक्षा के स्तर की होती है, जिसके लिए वे योग्य होते हैं, यानी कि वो तो पिछड़ा बालक उच्च स्तर की कक्षा, उच्च स्तर की उपलब्धियों के योग्य होने वाले बालक और उससे निम्न स्तर की जो उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, यानी कि उच्च स्तर की औसत आयु वाले बालकों के साथ जब वो उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करता है तो वो सामान्य बालक हो जाएगा, लेकिन उससे निम्न स्तर की उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है, उससे निम्न स्तर की पाठ्यक्रम के वो योग्य हो रहा है और दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वो बालक पिछड़ा बालक कहलाएगा, यानी कि अपने पाठ्यक्रम से पिछड़कर वो निम्न स्तर के पाठ्यक्रम को जब ध्यान में रखता है या इंटरेस्ट लेता है तो वो ऐसा बालक पिछड़ा बालक कहलाएगा। आपका ये पिछड़े बालक का अर्थ और ये परिभाषा कंप्लीट हुई। नमस्कार।